नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच में झड़प, फायरिंग के कारण तोड़फोड़ और आगजनी की कई घटनाएं भी हुई। दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच में कल झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि पार्किंग को लेकर के पुलिस वालों और वकीलों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में झड़प गए। इतना ही नहीं, एक छोटी सी झड़प बड़े नुकसान को अंजाम दे गई। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई थी, कई गाड़ियों को तोड़फोड़ और आगजनी के हवाले कर दिया गया। वकीलों ने कोर्ट का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था, पुलिस को भी अंदर नहीं जाने दिया। अगर प्रत्यक्षदर्शियों और अधिकारियों की माने तो उनके अनुसार झड़प में 10 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए। इस दौरान 17 वाहनों की तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने बताया कि घायलों के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त उत्तरी जिला हरविंदर कुमार कोतवाली और सिविल लाइन्स थाने के प्रभारी और पुलिस उपायुक्त उत्तरी के ऑपरेटर भी हैं, जो घायल हो चुके हैं। बार एसोसिएशन ने घटना की निंदा करते हुए 4 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी जिला अदालतों का एक दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। वकीलों ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के साथ बदसलूकी और गोली चलाने का आरोप लगाया। अगर वहीं वकीलों की माने तो उनके अनुसार झड़प में उनके 4 सहयोगी भी घायल हो चुके हैं। एक पुलिस की गोली से घायल वकील भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने गोली चलाने के बारे में पूरी तरह से इनकार किया है। 30,000 एसोसिएशन के सचिव जयवीर सिंह चौहान ने बताया कि वकील की कार पुलिस की जेल वैन को थोड़ी सी छू गई थी, जिसके बाद वकील और पुलिसकर्मी के बीच में काफ़ी बहस हो गई। चौहान ने आरोप लगाया कि बाद में वकील को हवालात में ले जाया गया और बुरी तरह से पीटा भी गया। थाना प्रभारी भी आए लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया। मध्य और पश्चिमी जिले के जिला न्यायाधीश 6 अन्य न्यायाधीशों के साथ वहां गए, लेकिन वकील को नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि न्यायाधीश जब जा रहे थे तो 20 मिनट बाद पुलिस ने चक्र गोलियां चलाई। उन्होंने दावा किया कि अन्य वकीलों के साथ जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन वकीलों में रणजीत सिंह मलिक पुलिस की गोली से घायल हो गए, जिसके बाद घायल वकीलों को सेंट स्टीफन अस्पताल ले जाया गया। वहीं चौहान ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने वकीलों के साथ बदसलूकी भी की है और पूरी तरह से पुलिस की लापरवाही का मामला है, जिसके बाद 1.5 घंटे बाद वकील को हवालात से छोड़ा गया। वहीं आसपास अधिकारियों ने बताया कि झड़प के दौरान एक वाहन को आग लगा दी गई और 8 अन्य वाहनों के साथ तोड़फोड़ की गई। 8 बाइकों को भी आग लगा दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर 10 गाड़ियों को वहाँ पर भेजा। झड़प के बाद घटनास्थल पर भारी पुलिसकर्मियों को भी बुलाया गया। दंगा विरोधी वाहनों को भी वहां तैनात किया गया, जिसके बाद पुलिस ने दावा किया था कि स्थिति नियंत्रण में है। इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस वाहनों से संबंधित जेलों में पहुंचाए गए वो कैदी जो अदालत के परिसर के अंदर विचाराधीन थे। वकीलों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने घटनास्थल पर गोली भी चलाई और इसमें संलिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पल पल दिल्ली से विशेष रिपोर्ट।